हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा जो कि आर के राजपूत से है। और न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है, ये होता है हम लोग के लिए डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग, आपको पता होगा अभी तक कि जैसे ये हमारा एक वायर है, और इस वायर में अगर आई एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका एक डायरेक्शन होगा, या तो ये इस साइड से फ्लो होगा, या तो फिर ये हमारा इसके जस्ट अपोजिट इस साइड से फ्लो होगा। यानी इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा होता है हमारा कॉर्क स्क्रू रूल। तो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है पहला वाला मेथड, यानी राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे देखिए क्या करना होता है। जैसे जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस अंगूठे को, यानी जो हमारा राइट हैंड का अंगूठा है, इसको हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। और ये जो हमारा फिंगर है, ये चारों फिंगर जो बताता है, ये बताता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस कंडक्टर के चारों ओर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इस तरीके से बता रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा जस्ट अपोजिट है, यानी यहाँ पे करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अंगूठे को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। और ये जो फोर फिंगर है, ये बताता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये सब अगर आपको डीपली समझना है तो डीसी मशीन में मैंने ऑफलाइन होकर बताया, यानी पेन और कॉपी पे बताया है। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप इसको स्किप करके आप सीधे सीधे पहले डीसी मशीन को देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है सब। और दूसरा जो हमारा मेथड है कॉर्कस्क्रू रूल, तो इसको भी मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो जब तक ये नहीं आएगा आपको, तब तक यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ से सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब हम लोग का 59 है। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी जैसे ये हम लोग का एक वायर है, और इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर का। अब इस वायर के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका मतलब एक तरह से ये हमारा मैग्नेट है। अब देखिए, अब हम लोग इसी तरीके से दो वायर को साथ में रखते हैं, यानी पैरेलल ही रखते हैं। एक हम लोग का ये वायर हुआ ए, और इस वायर के अंदर हमारा करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। और दूसरा जो वायर हुआ, इसमें भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसमें मान लेते हैं जो करंट का वैल्यू है ये I2 है। अब देखिए दोनों में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा मैग्नेट बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना। तो एक तरह से हमारा मैग्नेट हुआ ना, और एक तरीके से इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है वायर बी में भी, तो इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों क्या है, दोनों वायर मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको पता होगा कि अगर हम लोग, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का मैग्नेट ए है और ये हम लोग का मैग्नेट बी है, जब भी हम लोग मैग्नेट को पास में लाते हैं तो इन दोनों के ऊपर दो तरह का फोर्स लगता है। एक तो हमारा होता है अट्रैक्टिव, अगर हमारा जो पोल है ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर इधर हमारा नॉर्थ है उधर हमारा साउथ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और दूसरा जो फोर्स होता है ये हमारा होता है रिपल्सन का। उसी तरीके से ये दोनों वायर क्या है, एक तरीके से हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और ये दोनों मैग्नेट है, तो इन दोनों फोर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो ये जो फोर्स होता है, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट हमारा परमेबिलिटी है, जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। इनटू I1 I2 हमारा जो करंट है दोनों वायर का, दोनों का प्रोडक्ट, और लेंथ, ये वायर का जो लेंथ होता है, डिवाइडेड बाय 2π d, जहाँ पे ये डी जो है इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। और ये आया कहाँ से है, तो ये जो है हम लोग डिराइव करते हैं। तो अभी हम लोग के लिए, अभी हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं, तो ये सब डेरिवेशन जरूरी नहीं है। ये सब सेमेस्टर में या फिर जो भी 11th 12th में पढ़ता है बच्चा लोग, उन लोग के लिए होता है। हम लोग के लिए बस फॉर्मूला ही काफ़ी है, तो डेरिवेशन पे हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब देखिए इस स्क्वायर में अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, ये दो पैरेलल कंडक्टर है। अगर आप इसको देखिए, एम और एन, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर हमारा क्या है, पैरेलल ही है। उसी तरीके से ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर हमारा पैरेलल ही है। तो इसके चलते हमारा क्या होगा, फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये दो मैग्नेट बन रहा है ना एक तरह से। तो हम लोग से पूछा है क्वेश्चन में कि अगर हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। पी मान लेते हैं हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखिए एक चीज और समझते हैं,
जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का एक वायर है, तो ये वायर जो है हमारा करंट कैरिंग है एक तरह से, यानी करंट कैरी कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो आप लोग को एक डेरिवेशन पढ़ना होता है हम लोग को, कि जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके चलते इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ देगा कि यानी इस वायर से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, तो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, यानी कितना वेबर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से बन रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि ये करंट कैरिंग है, तो इधर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके नीचे में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आता है यहाँ पे डिराइव करके, यानी इस पॉइंट पे कितना वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता है हमारा बी बराबर, बी हमारा क्या है, एक तरीके से फ्लक्स डेंसिटी है, यानी एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स ही है ना। फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है, फाई बाई एरिया। अब यहाँ पे एरिया तो है नहीं क्योंकि ये पॉइंट है, तो ये एक तरह से क्या है, फ्लक्स ही है ना। बी बराबर फाई बाई एरिया, एरिया हमारा यूनिट ही है, तो बी बराबर फाई यानी फ्लक्स ही एक तरह से। तो ये बी बराबर हमारा वैल्यू होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर, और यहाँ पे एंगल होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखिए ये कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है, इस फॉर्मूला को समझते हैं कि इस फॉर्मूला के अंदर ये जो आर है, ये आर क्या होता है, साइन अल्फा और साइन बीटा क्या है, करंट का मतलब क्या है, कि इस वायर के अंदर हमारा आई एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, तो इस वायर के अंदर जो भी करंट होगा उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया होगा, तो आई मतलब हमारा कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा चारों तरफ, तो इस वायर से इस पॉइंट पे, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 4 वेबर, 5 वेबर, 10 वेबर, कितना होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं क्यू, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू कुछ भी हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस वायर से कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यही इसका डिस्टेंस होगा ना, ये इसका मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ, मैंने मान लिया आर, ठीक है। अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो स्पेस में है अभी, लेकिन इसको पर्टिकुलर दिखाना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंडक्टर के एंड से इस पॉइंट को मैच करते हैं इस तरीके से, डॉट 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 डॉट, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा कुछ एंगल बनेगा, तो इस एंगल को नाम देते हैं अल्फा, आप कुछ भी मान सकते हैं, θ1 θ2 कुछ भी। और यहाँ से उसी तरीके से यहाँ से हम लोग एक और यहाँ पे मैच करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल बनेगा ये बनेगा हमारा बीटा। तो अब आपको समझ में आ रहा हो, ये जो आर है, ये आर हमारा क्या है, पॉइंट से इस कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, और ये अल्फा और बीटा जो है ये हमारा एंगल, ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल बन रहा है। अब देखिए इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ढेर सारा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या फिर जो अभी हम लोग का न्यूमेरिकल है 59, ये भी हमारा सॉल्व होगा। अब एक चीज और, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है इसको समझते हैं। देखिए इस वायर में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग आई मीन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमारा जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा, तो इसके लिए हम लोग इस वायर को मैंने यहाँ पे साइड में निकाल लिया है, इसमें मान लेते हैं हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हम लोग का क्यू पॉइंट है। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि जिधर हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट है हमारा, उसी साइड हम लोग ये चारों फिंगर को खोलते हैं। चारों फिंगर कहने का मतलब ये देखिए, ये हमारा अंगूठा जो बनेगा ये तो करंट का डायरेक्शन में बन जाएगा इस तरीके से, लेकिन जो हमारा ये चार फिंगर होगा, 1 2 3 4, ये हमेशा क्या होगा, हमारा ये पॉइंट के डायरेक्शन की तरफ रहेगा, ठीक है, जिधर हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट हमारा इधर है, तो फोर फिंगर हमारा इस पॉइंट की तरफ होगा। अब देखिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में पेन है, फिर भी आप पेन ले लीजिए अपने हाथ में, और पेन में जो है अपर डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और अपने राइट हैंड रूल से यानी जो आपका राइट हैंड है उसको आप इस तरीके से पकड़िए,
पॉइंट की तरफ आप अपना चारों फिंगर खोल दीजिए, पॉइंट हमारा किधर है, राइट साइड है ना, अभी ये पॉइंट हम लोग का इसी पे तो निकालना है, तो हमारा चारों फिंगर इस पॉइंट की साइड खुलेगा। अब आप अपने फिंगर को, यानी जो चार फिंगर है ये, इसको मोड़िएगा तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, ये हमेशा इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, ठीक है, यानी आपका जो हाथ है ये किधर घुसेगा, स्क्रीन की तरफ घुसेगा ना। आप इमेजिन कीजिए आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, ठीक है, और आपके हाथ में एक पेन है और इस पेन में जो करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अभी अंगूठा तो हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन के हिसाब से, और अभी मैंने बताया कि जो फोर फिंगर है ये फोर फिंगर हमेशा इस पॉइंट की तरफ होगा। अभी पॉइंट की तरफ हो गया, अब इसको आप मोड़िए, यानी अपने फोर चारों फिंगर को, ये चारों फिंगर को जब आप मोड़िएगा तो किधर घुसेगा ये इस तरफ घुसेगा, यानी स्क्रीन की तरफ घुस रहा है ना, यानी यहाँ पे जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है एक तरह से, ठीक है। करंट का डायरेक्शन भी हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रॉस से ही दिखाते हैं, करंट जब भी हमारा अंदर जाता है वहाँ पे, और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, अंदर होगा, यानी मॉनिटर के अंदर जा रहा है। वही एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ये करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर हमारा करंट फ्लो रहा है आई एम्पियर का। अब हमारा मान लेते हैं पॉइंट जो है इस साइड में, यानी पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ पी। अब इस पॉइंट पे आपको निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आप इमेजिन कीजिए हमारे पास पेन है हम लोग के पास, और पेन में जो है करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी जो हमारा फिंगर होगा चारों फिंगर ये इधर डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, और ये जो अंगूठा है, अंगूठा तो इसके डायरेक्शन में अपवर्ड चला जाएगा ना ऐसे, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो फिंगर मुड़ेगा, यानी इसको अगर आप मोड़िएगा तो किधर मुड़ेगा, आपके फेस की तरफ मुड़ेगा, है ना, फेस की तरफ मुड़ रहा है, यानी चारों फिंगर जो मुड़ेगा फेस की तरफ मुड़ेगा, आपके चेहरे की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो फील्ड निकल रहा है ये हमारा क्या है, बाहर निकल रहा है, यानी मॉनिटर से बाहर आ रहा है, तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर आप यूज़ करिएगा तो यहाँ पे हमारा क्रॉस होगा, यानी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा ये मॉनिटर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मे बी आपको पता हो, नहीं तो फिर यहाँ से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये हम लोग का पेन जो है कंडक्टर है आप मान लीजिए, और इस पेन में जो करंट फ्लो हो रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इस करंट के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ इस तरीके से, और इस पेन से राइट साइड में, यानी इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है कि जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होगा। तो अभी मैंने बताया था जिस साइड में हम लोग को निकालना होता है उस साइड में हम लोग अपने चारों फिंगर को खोलते हैं, ये देखिए चारों फिंगर हम लोग का खुला हुआ इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉइंट है, यानी राइट साइड में निकालना है, तो राइट साइड में हम लोगों ने फिंगर को खोल रखा है। अब इस ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा हम लोग क्या बता रहा है, करंट का डायरेक्शन, तो करंट के डायरेक्शन से हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ हो गया। अब इस फिंगर को जब भी मैं मोड़ूंगा तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा ना, यानी इस कॉपी के अंदर की तरफ मुड़ेगा, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो फ्लक्स है ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक। दूसरे केस में देखिए, यहाँ पे हम लोग का ये पेन है और इस पेन में जो करंट फ्लो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब इस पेन से जस्ट अपोजिट, यानी लेफ्ट साइड में ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो ये अंगूठा जो हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन में अलाइन हो गया, और ये जो फिंगर है ये फिंगर किधर खुला हुआ है, चारों फिंगर को, ये तो मैंने मोड़ते हुए दिखाया ना, तो ये चारों फिंगर हमारा इसी डायरेक्शन में खुल रहा है जिधर हमारा पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट हमारा इस डायरेक्शन में है। और जब इसको मोड़िएगा तो ये फिंगर किधर है, हम लोग का चेहरे की तरफ खुल रहा है ना, अपने फेस की तरफ खुल रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारा फ्लक्स क्या हो, बाहर निकल रहा है, तो बाहर को हम लोग हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, और यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर, तो यहाँ पे भी हमारा आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, और यहाँ पे भी हमारा आई होगा, ठीक है। अब ये एक लंबे से वायर को मोड़ करके इस तरीके से स्क्वायर बनाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमारा चार वायर दिख रहा है, एक पी एल हो गया, एम एल हो गया, एन एम हो गया, और एक एन पी हो गया। तो अभी तक आपको पता है कि कोई भी वायर में हमारा करंट फ्लो होता है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ठीक इसी तरीके से अगर पी एल में हमारा आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आसपास में, ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी और ये भी। तो क्वेश्चन बोलता है कि अगर इस स्क्वायर के बीच में एक पॉइंट है पी, तो इस पॉइंट पी पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अभी मैंने बताया कि जैसे ये हमारा एक वायर है, इस वायर से
पी पॉइंट पे, पी पॉइंट मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जब आर था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एंगल निकालते थे परपेंडिकुलर करके इस तरीके से, और यहाँ पे जो भी एंगल होता था तो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने निकाला था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, अगर हम लोग पी एल वायर में काम करते हैं, पी एल वायर में काम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू हमारा ए, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यानी इस इंड से, यानी वायर का यही इंड है, यहाँ से इंड लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसको मिलाते थे यहाँ पे, तो एंगल बनता था ये वाला और ये वाला अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे हमारा अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में हमारा 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है ध्यान से देखिएगा तो, और ये वाला जो पॉइंट है ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा 45 डिग्री होगा और ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। हम लोग सीधे सीधे बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई, आई का वैल्यू तो हमारा आई है तो आई लिखेंगे 4 पाई, और यहाँ पे आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ए है, तो ए लिखेंगे, और यहाँ पे होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा की जगह 45 प्लस साइन बीटा की जगह भी 45, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ, देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/√2 प्लस 1/√2। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी बराबर, देखिए बी बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे √2, तो ऊपर में हमारा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू मिल गया हम लोग कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा 2√2 इंटू पाई ए। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन पता करना है कि वायर पीएल के कारण, यानी इन दोनों वायर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो कैसे होगा, तो हमारे करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे हम लोग अंगूठा बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोग अंगूठा हो गया, और जो हमारा चारों फिंगर होगा इस डायरेक्शन में खुलता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब भी मुड़ेगा तो हम लोग का फिंगर कैसे होगा, ये बाहर की तरफ होगा यानी हमारे चेहरे की तरफ बंद होगा ये फिंगर, यानी यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे, पॉइंट का मतलब होता है कि हमारा फ्लक्स जो है या फिर करंट जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कीजिएगा, तो ये भी हमारा क्या है, वायर सेम है, करंट भी सेम है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा और डिस्टेंस भी सेम है, तो हमारा यही वाला मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला पूरा पूरा मैग्नीट्यूड यही होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 इंटू पाई ए। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट किए तो फिर से हमारा डायरेक्शन वही होगा, देखिए यहाँ पे अंगूठा हो गया इसके, और इधर हम लोग क्या करेंगे, अपना चारों फिंगर खोलेंगे इस तरीके से, अब इसको करिएगा तो फिर से हमारा करंट डायरेक्ट बाहर निकलेगा, यानी हर जगह यानी चारों वायर से जो करंट का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन आई मीन फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो ये चारों चारों ऐड हो जाएगा आपस में। ठीक है, जिसके कारण जो होगा ये भी हमारा यही वैल्यू होगा, यानी 4 आएगा एक तरह से, तो टोटल हम लोग निकालते हैं टोटल फील्ड या फिर टोटल फ्लक्स, ये क्या होगा 4 को है ना, ऐसा 4 है, 1 हो गया, 2 हो गया, इसके कारण फिर 3 हो गया, फिर इसके कारण 4 हो गया, तो 4 B μ0 डिवाइडेड बाय 2√2 π a, और यहाँ पे सिंबल होगा आउटवर्ड डायरेक्शन का। अब देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 2, और इस 2 को फिर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये बचा 2, ये 2 हो गया, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, तो ये √2 से √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √2, और यहाँ पे होगा हमारा म्यू नॉट, ये बी नहीं होगा, ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया यहाँ पे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हम लोग का पाई ए। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे म्यू नॉट को नहीं लेके चला, क्योंकि म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे बी नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ पे हमारा बी की जगह आई होगा, मैंने मिस्टेक से लिख दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 से राइटिंग को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी जो मेरे पास पेन था उसका नीब टूट गया है तो काम नहीं कर रहा है। वैसे हम लोग का एक दो दिन के अंदर पेन आ जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लेते हैं कि हमारा स्ट्रेट वायर है और इस वायर के अंदर हमारा आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर को हम लोग इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि ये एक सर्कुलर लूप का शेप ले ले रहा है, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप में हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर का। तो हम लोग से पूछता है कि इस सर्कल के सेंटर पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं पी, तो इस पॉइंट पे यानी इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो सर्कल है ये छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना होगा, है ना, यहाँ पे भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना आपको। तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था कि जैसे हमारा स्क्वायर था, तो स्क्वायर के केस में क्या था, हमारा स्ट्रेट लाइन था ना एक तरह से। तो स्ट्रेट लाइन पे हम लोग कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी, तो ये आप तो पता होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही समझेंगे, ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल में ये हम लोगों ने मान लिया है कि हमारा एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही छोटा है, जिसका वैल्यू है डीएल, इसका मैंने नाम दे दिया डीएल, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे और इसका जो लेंथ होगा यानी इस लाइन का जो लेंथ होगा ये रेडियस होगा सेंटर का, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था, तो ये जो फॉर्मूला डिराइव होता है ये बायोट सर्वाट लॉ यूज करके ही हम लोग डिराइव करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग को सबसे पहला क्या करना होगा, बायोट सर्वाट लॉ यूज करना होगा। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये हमारा बायोट सर्वाट लॉ का इक्वेशन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं कि इस लाइन के कारण यानी जो डीएल लाइन हम लोगों ने लिया है यहाँ पे, इस डीएल लाइन के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है ये दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट बह रहा है। अब इस पॉइंट को यानी ये जो फिगर है, इस फिगर को मैंने बाहर निकाल करके बड़े से एक तरह से जूम करके दिखाया है, ये हमारा स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये हमारा पॉइंट है पी। तो इस सिचुएशन में हम लोग को डायरेक्शन निकालना होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उस डायरेक्शन में हम अंगूठा को रखते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये जो हमारा फिंगर होता है चार फिंगर ये हम लोग पॉइंट के टूवर्ड रखते हैं, यानी हमारा ये पॉइंट इधर है तो इसी डायरेक्शन में रखेंगे ना। अब देखिए आप ऐसे इमेजिन कीजिए तो आपका ये जो फिंगर होगा यानी जो चार फिंगर है ये हमेशा बंद होगा, तो किधर बंद होगा, इस डायरेक्शन में बंद होगा, यानी अंदर की तरफ बता रहा है, यानी फ्लक्स जो है इस मॉनिटर के अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉस होगा और इस पॉइंट पे भी जैसे ये स्ट्रेट वायर से मिलकर बना है ना छोटा छोटा, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्शन निकाल लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके, तो आपका जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा यही होगा, क्रॉस ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया है इस सिचुएशन में क्या होगा, और अब हम लोग ये मेन इक्वेशन को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेन इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी हमारा कांस्टेंट है और ये जो आर स्क्वायर होता है ये डिस्टेंस है हमारा, तो डिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर आप करंट की बात करें तो करंट तो हमारा आई एम्पियर ही फ्लो हो रहा है ना, करंट तो हमारा चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी एक तरह से एंगल है, और एंगल अभी मैंने बताया था कि जब भी हम लोग स्ट्रेट वायर से कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना होता है इस तरीके से मैच करके। तो यहाँ पे जो हम लोग लेंथ ले रहे हैं यानी जो स्ट्रेट लाइन है ये बहुत ही छोटा है एक तरह से, ठीक है, अपने आप में बहुत ही छोटा सा है एक तरह से पॉइंट की तरह ये। तो यहाँ से जो भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है इस पॉइंट पे ये अपने आप में 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह हमारा 90 है, यानी साइन 90 आप पुट कीजिएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर, ठीक है, यानी साइन 90 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये वैल्यू बचेगा हमारा पूरा साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड आया हमारा ये किसके कारण आया, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्ट्रेट लाइन के कारण आया है। तो इस तरीके से आप इस सर्कल में ऐसा छोटा छोटा लाइन ढेर सारा बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यानी हर जगह बनेगा। तो पूरा अगर हम लोग को निकालना है तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना होगा पूरे टर्म को, म्यू नॉट
डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे भी देखिए तो ये पूरा पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट 4 पाई, और ये होगा आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग डी एल का। तो डी एल का जब इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इस छोटे छोटे लाइन को हम लोग को जोड़ना होगा हर एक पॉइंट पे निकाल निकाल के। तो अगर आप पूरा सर्कल को देखते हैं तो ये पूरा सर्कल एक तरह सर्कमफेरेंस होगा, यानी सर्कमफेरेंस ही बनेगा ना, छोटे छोटे लाइन को जोड़ करके पूरा पूरा घेर लेगा इसको। तो डी एल यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जो होगा ये हम लोग को मिलेगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा टर्म हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और इसके जगह हो जाएगा इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 से कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा हम लोग का म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 आर, ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड आया पूरे सर्कल का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, ये जो आया मैग्नीट्यूड हमारा, ये क्या है, डीबी है ना, पूरा पूरा ये मैग्नीट्यूड आया पूरे सर्कल का। लेकिन लूप की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लिया है, एन को लेकर के चल रहा है, एन को लेकर के चल रहा है। इसका मतलब हम लोग एक लूप पे काम नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके से अपने आप में एक लूप था। इस तरीके से हमारा ढेर सारा लूप होगा, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से लूप है, क्वाइल का लूप बना हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक लूप हुआ। उसके बाद यहाँ से लेकर के हम लोग का यहाँ तक ये दूसरा लूप हुआ, ठीक उसी तरीके से। यानी एक लूप का हम लोग का कितना आया, इतना मैग्नीट्यूड आया। तो यहाँ पे अगर एन लूप है तो एन लूप के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सीधे सीधे एन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा पूरा पूरा वैल्यू आ गया। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 2 को देखते हैं तो 2 में हमारा म्यू नॉट को लेकर नहीं चला है। म्यू नॉट को लेकर क्यों नहीं चला है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे नेगलेक्ट किया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन और भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारा क्वेश्चन है, एक हमारा स्ट्रेट वायर है, और इस वायर में हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर का, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यानी इस पॉइंट पे आपसे निकालने के लिए बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं पी है हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को एंगल यहाँ से निकालना होगा, इस पॉइंट से ये जोड़ लेते हैं और इस पॉइंट से ये जोड़ लेते हैं, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसका जो वैल्यू है ये मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल दिया है ये 60 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था हमारा फॉर्मूला, बी बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, एंगल था हमारा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आई का अगर क्वेश्चन में देता है कोई भी वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। म्यू नॉट का आपको वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है। आर का भी डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जिस बेसिस पे रहेगा उस तरीके से। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए मान लेते हैं हम लोग से पूछ दिया कि एक हमारा वायर है जिसका लेंथ इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब ये वायर जो है यहाँ से माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं और ये हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो कहीं इस पॉइंट पे पूछ देगा, इस वायर पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि यहाँ से जिस पॉइंट पे निकालना होता है इस पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया इस पे। अब इस का कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते हैं आर,
लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से तो मिलेगा नहीं ना डायरेक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है। इन्फिनिटी तक मतलब ये इस तरीके से जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर इस तरह से पैरेलल होते होते कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। इस साइड में भी वही है, वायर हमारा इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, यानी इधर बहुत कहीं पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं, एंगल एंगल की बात करते हैं, तो इधर हमारा 90 और इधर भी हमारा 90, ठीक है। और इस वायर के अंदर मान लेते हैं करंट हमारा आई एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बी बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, sin 90 प्लस sin 90, यानी 2 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये हमारा इन्फिनिटी के लिए हो गया। अब देखिए और एक चीज़, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन भी बताना है, तो डायरेक्शन कैसे होगा, ये मैंने बताया है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस होगा, यानी इनवर्ड डायरेक्शन होगा, यहाँ पे फ्लक्स जो है अंदर की तरफ जाएगा। और ये कैसे निकालते हैं, ये सब में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सेमी इन्फिनाइट वायर के बारे में समझते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग का एक वायर है, और ये इसका एंड है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए पॉइंट जो है हमारा एंड है, और ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे, सबसे पहले इस पॉइंट पे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट पे पूछेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहाँ से ये मैच तो करेगा नहीं कभी भी, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये डॉट 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 करते करते क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, और इस साइड का जो एंगल होगा ये अपने आप में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारा क्या है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल गया, और यहाँ से लेके डिस्टेंस हम लोग हमेशा आर ले रहे हैं, तो आर ही मान लेते हैं। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यानी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पे आई दे देते हैं आई एम्पियर का, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो एक तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी पूरा पूरा वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये हमारा क्रॉस ही होगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेमी इन्फिनाइट वायर कर्व भी निकालते हैं। अब देखिए देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा एक सर्कुलर वायर में आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल रहा था ये कितना था, ये आया था हम लोग का म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 आर, ठीक है, इतना आया था हम लोग का। वही अगर लूप होता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन से मल्टीप्लाई होता है। तो अभी आपको इस लूप का भी पता है, और वायर में कैसे निकालते हैं इसका भी पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा एक लूप भी है, यानी एक सर्कल भी है, और एक हमारा कंडक्टर यानी स्ट्रेट लाइन का कंडक्टर भी है, ठीक है। ये दोनों अगर साथ में रहेगा, और इन दोनों से आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे, यानी इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं इस कंडक्टर को लेकर के। तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइन। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, देखिए ऐसे मिलेगा, ये मैच करेगा, और ये भी हमारा ऐसे मैच करेगा। और इस वायर में मान लेते हैं करंट है आई एम्पियर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तो सर्कल का रेडियस ही होगा ना, क्योंकि रेडियस ही है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसको हम लोग आर मान लेते हैं। अभी इतना का क्या फॉर्मूला आया था हम लोग का, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और एंगल की जगह क्या लिखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 45 हो जाएगा ना, 45 45, तो sin 90 प्लस sin 90, यानी यहाँ पे सीधे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, ये बचा है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन कैसा होगा, इसको आप देखिए
ऐसे समझते हैं, ये हमारा अंगूठा हो गया, करंट का डायरेक्शन इधर है ना हमारा, तो इधर हमारा अंगूठा हो गया ये, और इधर हमारा चारों फिंगर होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा अपवर्ड होगा, यानी बाहर निकल रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे डॉट से दिखा देता हूँ, ठीक है। और इस अब यहाँ पे लूप के कारण, कौन सा आएगा वैल्यू, तो लूप के कारण तो हमारा यही आएगा। बस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, कैसा होगा। देखिए लूप भी मैं बता ही देता हूँ, मे बी आपको कन्फ्यूज़ हो रहा होगा। ये हम लोग का यहाँ पे समझते हैं, ये लूप है, ठीक है। और इस लूप के कारण हम लोग को इस सेंटर पे बताना है कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, आर होगा, ठीक है। ये आर हो गया, इसके अंदर हमारा करंट फ्लो रहा आई एम्पियर। तो अभी जस्ट मैंने ड्राइव किया, इतना जब होता है ऐसा सिचुएशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे समझते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग स्ट्रेट वायर एंड छोटा सा लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे हमारा अंगूठा होगा, यानी ये हमारा अंगूठा हो गया इस तरीके से, और ये हमारा फोर फिंगर हो गया। अब ये हमेशा कैसे होगा, ये अंदर की तरफ खुल जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और इस बेसिस पे यहाँ पे हमारा ये देखिए डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आ गया, इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन अलग है, तो आपस में क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस करेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस का सिंबल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लीजिए, माइनस कीजिएगा, बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो हम लोग का बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा ये वाला है ना, क्योंकि ये 2 पाई है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इन टू एन डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा पूरा पूरा, तो हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। तो इसको माइनस कीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, ये हमारा बड़ा है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग आगे रखते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना, तो आई हो गया डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये जो सिंबल है इसका ये दे देते हैं माइनस, इसको घटाएंगे अब म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब यहाँ पे कॉमन लेकर के आप माइनस कीजिए, तो कॉमन क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये हमारा आर है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, इसको कॉमन लेके माइनस कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बाय पाई, ठीक है। और इसका जो नेट डायरेक्शन होगा यहाँ पे, ये होगा हमेशा क्रॉस, ठीक है, क्योंकि यही हमारा बड़ा है। ये गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बस हमारा क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्शन था पहले, हमारा जो डायरेक्शन था इस वायर में ये इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होने से हमारा क्या होगा, इस वायर के थ्रू जो इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, क्रॉस की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा क्रॉस हो गया, यानी दोनों जो है हमारा सेम हो गया। जब दोनों सेम हो गया तो ये दोनों जो होगा हमारा जुड़ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे कॉमन लेके, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस टॉपिक से लेकर के, तो आई होप आपको समझ में आया हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और बाकी जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको मैं एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे।